Hello students welcome to my channel this is simi alang physics teacher from JPC academy here you will learn physics in simple way in an easy way so friends let's start now the today topic is potential meter so what do you mean by potentiometer? you can see this picture this is a diagram of a potential meter सो पोटेंशियम मीटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मोर एक्यूरेटली कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो और वो एग्जैक्ट निकालना हो तो हम पोटेंशियम मीटर का यूज़ करते हैं इसके और भी यूजेज़ हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे तो यहाँ पर जब हमने कहा कि पोटेंशियम मीटर क्या काम करता है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है तो वोल्ट मीटर का भी तो यही काम है वोल्ट मीटर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करता है दो पॉइंट्स के बीच में तो वोल्ट मीटर क्यों हम वहाँ पर वोल्ट मीटर की जगह पोटेंशियल मीटर के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं द आंसर इज़ दैट कि जब आप वोल्ट मीटर किसी लोड के अक्रॉस लगाते हो तो वोल्ट मीटर भी कुछ लिटल बिट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो यूज़ करता है ठीक है दैट मीन्स वोल्ट मीटर भी कुछ करंट जो है वो यूज़ कर रहा है कि ये भी कुछ करंट यूज़ करेगा इसका मतलब जो एग्जैक्ट वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस हमें चाहिए मतलब जो इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसकी एक्चुअल वैल्यू से लेकिन यहाँ पर पोटेंशियो मीटर हम क्यों प्रेफर करते हैं बिकॉज़ पोटेंशियो मीटर काम करता है नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर काम करता है ठीक है नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा था वीडस्टोन ब्रिज का वहाँ पर ये कहते थे कि वीडस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा जब गलवानोमीटर में से कोई भी करंट पास नहीं होगा मतलब ज़ीरो करंट होगा तो इस टाइम पर हम इस मेथड को हम नल डिफ्लेक्शन मेथड भी कहते हैं तो पोटेंशियो मीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर काम करता है दैट मीन्स ये डिवाइस से बिना करंट ड्रॉ किए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करता है अगर हमें सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना है पोटेंशियो मीटर की हेल्प से तो सेल से बिना करंट ड्रॉ किए हम उस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका एक सेपरेट टॉपिक भी है जो आपके सिलेबस में है उसको हम एक न्यू वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे तो नाउ वी विल डू द कंस्ट्रक्शन सो पोटेंशियम मीटर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दी स्ट्रिप्स ये स्ट्रिप्स जो हम देख रहे हैं ये स्ट्रिप्स हमारी कॉपर की स्ट्रिप्स बनी हुई हैं और इन कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में ये हम वायर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं ये वन मीटर की वायर्स होती हैं ठीक है थीके? जैसे हमने मीटर ब्रिज में एक सिंगल वायर लिया था यहाँ पर पोटेंशियल मीटर में क्या होता है बहुत सारी नंबर ऑफ वायर्स होती हैं जिनको हम इस तरीके से ऐसे घुमा के घुमाया नहीं होता है एक्चुअल में एक वायर ये यह यहाँ लगी होती है फिर ये कॉपर स्ट्रिप यहाँ लगी होती है जो कि दूसरी वायर को इसके साथ ज्वाइन करती है ऐसे यहाँ पर ये यह कॉपर स्ट्रिप है फिर ये आगे नेक्स्ट वायर इसको ज्वाइन कर रही है तो यहाँ पर पोटेंशियम मीटर में हमारे पास ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं बीच में ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि कनेक्टिंग वायर्स जो हैं वो यहाँ पर हम अलॉय की लेते हैं अलॉय की क्यों लेते हैं क्योंकि अलॉयज़ जो हैं उनका टेम्परेचर कॉफिशेंट और रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है मतलब कि मीनस उनका टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि हम अलॉय मटेरियल की वायर जो है वो यूज़ करेंगे और साथ ही साथ इन वायर्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी हमें क्या लेना है यूनिफॉर्म लेना है कांस्टेंट लेना है एक जैसा लेना है फिर उसके बाद यहाँ पर इस पोटेंशियम मीटर को आउटर सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है मतलब बैटरी के साथ मीटर लगाया हुआ है रेजिस्टेंस रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब और यहाँ की कनेक्ट की हुई है तो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन आप अंडरस्टैंड करते हैं पोटेंशियोमीटर मीटर का प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर मीटर प्रिंस किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि ये बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द यूनिफॉर्म वायर कि किसी भी वायर का कोई वो वायर का कोई भी पोर्शन ले लो उस पोर्शन के अक्रॉस जैसे ये हम हमने यहाँ पर क्या किया था बट वी हैव डन कि आपने जो डायग्राम देखा उस डायग्राम में आपने बहुत सारी वायर जो हैं वो यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में लगी हुई थी अगर यहाँ से मैं कोई एक पोर्शन कट कर लेती हूँ कट कर नहीं करना है इमेजिन कर लेते हैं कि ये पोर्शन एल लेंथ का है तो यहाँ पर इस पोर्शन के अक्रॉस ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए तो यहाँ पर

लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी और वी जस्ट फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन कि यहाँ पर वी प्रोपोर्शनल एल जो है वो किस तरीके से आएगा तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए लेट अस कंसीडर कि हमने यहाँ पर जो है कोई एक पोर्शन ऑफ वायर लिया जिसकी लेंथ हमने कितनी मान ली एल और उसका रेजिस्टेंस आर है और उसका एरिया ऑफ क्रोसेक्शन हमने ए ले लिया और उसके अक्रॉस हम मान लेते हैं वी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं सो so, हेयर

तो बेटा आप आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ये जो टर्म आई रो अपॉन में ए आई कॉन्स्टेंट करंट हम कह रहे हैं रो रिजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है मतलब जो वायर हमने यूज़ किया वो एक ही मटेरियल की पूरी वायर्स लगी हुई हैं पोटेंशियल मीटर के ऊपर तो यहाँ पर ए जो है एरिया है वायर का जो कि कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है बट तो ये एक रेशो कांस्टेंट आ जाएगी और यहाँ पर वी जो है वो प्रोपोर्शनल टू के एल के इक्वल आ जाएगा मतलब यहाँ पर हमने इस रेशो को कांस्टेंट माना के और ये हमने लिख लिया वी इक्वल टू में के एल तो आपके पास ये जो v इक्वल टू में के एल आया है यहाँ इस कॉन्सेंट को हटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा v प्रोपोर्शनल टू लेंथ लेंथ ऑफ दैट वायर और यही हमने प्रूव करना था कि पोटेंशियल मीटर जो है इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर और अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें v इक्वल टू के एल के को अगर फाइंड आउट करते हैं तो वी के नीचे यहाँ पर एल आ जाएगा तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है के इक्वल टू वी बाय एल इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो कि यहाँ एक कांस्टेंट क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट मीन्स पोटेंशियल मीटर के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी पर यूनिट लेंथ इफ ए कॉन्सटेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियल मीटर दैन दैट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी कॉन्सटेंट पर यूनिट एंड हर पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा कॉन्सटेंट रहेगा सो नेक्स्ट इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियो मीटर पोटेंशियो मीटर की सेंसिटिविटी का क्या मीनिंग है हम जब हम कहते हैं कि ये पर्सन बहुत सेंसिटिव है मतलब अगर इसके सामने कोई इमोशनल सीन अगर क्रिएट हो जाए तो हम कहेंगे कि ये बहुत जल्दी रोने लग जाता है ठीक है तो एकदम से जो कि बहुत एकदम से रिएक्ट करे सेंसिटिव हम कहते हैं ऐसी पोटेंशियो मीटर का, का काम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना तो इसका मतलब ये है कि हल्का सा भी चेंज अगर लेंथ में चेंज होता है तो उस केस में पोटेंशियल मीटर जो है एकदम से रीडिंग जो है वो शो करता है तो यहाँ पर हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियल मीटर जो है इट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ वेरी स्मॉल मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स कि कितनी उसकी कैपेबिलिटी है बहुत कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की भी ठीक है या एंड एग्जिबिट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ इवन ऑन वेरी स्मॉल चेंज इन इन पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हल्का सा भी बैलेंसिंग लेंथ में अगर चेंज आता है तो एकदम से हमें पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग जो है वो शो करता है जो पोटेंशियल मीटर को हम और ज़्यादा सेंसिटिविटी मतलब उसकी सेंसिटिविटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन दैट वी हैव लर्न के इज़ इक्वल टू वी अपॉन मे एल अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करते हो मतलब के की वैल्यू डिक्रीज़ करते हो तो पोटेंशियल मीटर हमारा ज़्यादा सेंसिटिविटी सेंसिटिव हो जाता है ठीक है के की वैल्यू कम कैसे की जाए फर्स्ट फैक्टर है कि या तो आप इसमें से करंट जो पास करवा रहे हो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर दो करंट क्यों यहाँ पर हम कह रहे हैं देखो एक्सप्रेशन में तो वी नज़र आ रहा है वी तो पोटेंशियल ड्रॉप तब होगा ना जब करंट पास करेगा जब हम वहाँ से सर्किट में से करंट फ्लो करेगा अब यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करवाएं मतलब जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो यहाँ पर हमने लगाया हुआ था सो द वेरिएबल जो रेजिस्टेंस मतलब जो रियो स्टेट हमने लगाया था आप यहाँ पर ये यह डायग्राम भी देख सकते हैं फिर से कि यहाँ पर हमने ये रियो स्टेट जो है वो लगाया हुआ है तो ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर ये यह रियो स्टेट लगाया हुआ है आर एच से डिनोट किया हुआ है इसका मोटिव यही था कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ और इंक्रीज करें ताकि करंट की वैल्यू जो है वो हम चेंज करवा सकें अपने सर्किट में तो अगर आप रियल स्टेट से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारा करंट भी चेंज होगा दैट मीन्स हमारे पास करंट की वैल्यू जो है हम डिक्रीज़ करवाएं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा दूसरा फैक्टर ये है कि अगर आप उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं पोटेंशियल मीटर में जैसे आपने देखा कि उसके अंदर बहुत सारी वायर्स हमने यूज़ की हुई थी तो पोटेंशियल मीटर की अगर लेंथ वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाता है तो दैट्स वाई हम लॉन्गर वायर का पोटेंशियल मीटर यूज करते हैं ताकि सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियल मीटर की ज्यादा हो सो ना देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन फैक्ट के बेस क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम पहला फैक्ट ये है कि पोटेंशियो मीटर जो है एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर से इसका रीजन ये है कि पोटेंशियल मीटर जो है बिना करंट ड्रॉ किए किसी भी सेल का ई एम एफ मेजर कर सकता है लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड मैं करूँगी कि पर फिर भी हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं ज़्यादा वोल्ट मीटर ही यूज़ होता है बिकॉज़ वोल्ट मीटर एक छोटा सा डिवाइस है पोर्टेबल डिवाइस है इसको कैरी करना ईजी है चाहे हमें रीडिंग थोड़ी सी कम एग्जैक्ट नहीं देता जैसे मान लो नाइन्टी रीडिंग एग्जैक्ट देता है बट फिर भी हम इसे काम चला लेते हैं बिकॉज़ यहाँ पर हम अपनी कन्वीनियंस जो है वो देखते हैं कि बहुत पोर्टेबल है ठीक है ईज़िली इसको कैरी किया जा सकता है सेकेंड फैक्ट ये है दैट द जोकी शुड नॉट बी स्क्रैप्ड ओवर द पोटेंशियल मीटर वायर इसका मीनिंग क्या है तो आप रिकॉल करें मेरे मीटर ब्रिज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जोकी को कैसे हम वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं कि ये हमारे पास ब्रिज होता है और ये वायर होती है जो कि एक पेन की तरह होता है और इस पेन को इस तरीके से ऐसे इसके ऊपर हम अगर स्क्रैप करते हैं मतलब ड्रैग करेंगे तो क्या होगा हमारी वायर जो है वो घिस जाएगी इसका मतलब कि वायर जो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा वो चेंज होगा और एरिया को तो हमने यूनिफॉर्म लेके चले थे ठीक है तो एरिया चेंज ना हो इसलिए हम स्क्रैप नहीं ड्रैग नहीं करते हम सिर्फ पेन को यहां ऐसे रखते हैं फिर इधर रखते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर रखते हैं ताकि बैलेंसिंग पॉइंट हमें मिल जाए नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास दैट ए पोटेंशियल मीटर विद लोंगर ब्रिज वायर इज़ प्रेफर्ड कि जैसे आपने देखा था कि यहाँ पर एक वायर फिर यहाँ कॉपर स्टेप ये दूसरे फिर इस तरीके से ऐसे कि ज़्यादा बड़ी वाली वायर वाला ही पोटेंशियल मीटर हम क्यों प्रेफर करते हैं बिकॉज जो पोटेंशियल मीटर का जो सेंसिटिविटी है वो हम बताते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ इक्वल टू वी अपॉन मे एल अगर हम एल की वैल्यू ज़्यादा लेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कम होगा मतलब हमारा पोटेंशियल पोटेंशियल मीटर जो है वो मोर सेंसिटिव होगा सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में लर्न किया है अबाउट पोटेंशियो मीटर कि पोटेंशियो मीटर जो है वो क्या होता है किस लिए हम उसको यूज़ करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं और पोटेंशियल मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और किस तरीके से उस प्रिंसिपल को हमने यहाँ पर डिराइव भी किया So students if you like the video please click on the like button and also comment in a comment box and share with your friends thank you all we will meet soon in my next video bye bye and take care